हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रस्ट के बारे में देखेंगे। ट्रस्ट क्या होता है और कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं कॉलम पे। तो इसके लिए अभी मैंने फ़िलहाल में स्ट्रक्चर टेम्पलेट लिया हुआ है। हमारे 2024 का जो वर्जन है, इसमें जो टेम्पलेट दी गई है, इसमें ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें इंस्टॉल है। सबका अलग अलग इंस्टॉल है, से स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्ट के जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती है वो पहले से इसमें इंस्टॉल है। तो हमें लोड करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। तो स्ट्रस लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक कॉलम ले लेते हैं। कोई एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारा ये ट्रस्ट का, ट्रसेस कैसे लगाते हैं। तो मैं यहाँ तक एक कॉलम लगा लेता हूँ। तो अब इस पे हम ट्रस लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ट्रस का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें एक दे रखा है फ्लैट ट्रस का, हमारे पास पहले से लोड है इसमें। तो इस पर हम लगा लेते हैं इसको। अब लगा लिया हमने, पहले चलते हैं 3D में। तो 3D में हमें ऐसा दिखेगा। ये हमारा ट्रसेस को कर लेते हैं फाइन और शेडिट कर लेते हैं विजिबिलिटी के लिए अच्छे से। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रस होता है। तो इसको हम ऐसे लगाते हैं, इसके कई सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं ट्रस के, वो हमें फैमिली लोड करनी पड़ती है, उस हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब मेन इसमें हमें जो देखना है वो चीज़ हम देखते हैं क्या होता है ट्रस में, हम कैसे क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। तो उसके लिए हम कर इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके एडिट टैब में चलते हैं और मैं आपको बताऊं। तो अब सबसे पहले इसका हम देखते हैं टॉप कोड। टॉप कोड जो हमारा होता है, ये वाला पोर्शन होता है, आप देख सकते हैं ये जो टॉप पे है, ये हॉरिजॉन्टली ये हमारा टॉप कोड होता है। तो इसमें हम इसका ये चीज लोकेशन, ये जो हमारा होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन जो होता है हमारे टॉप कोड का, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम ये रहने देते हैं इसमें सेंटर ऑफ बीम। और उसके बाद हम यहाँ स्ट्रक्चर फ्रेमिंग टाइप, जो हमारा अभी जैसे यूनिवर्सल बीम लगा हुआ है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी है, हम मान लीजिए ये वाला लेते हैं सर्कुलर होलो, और इसको हम अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे, ये देखिए हमारा टॉप कोड ऊपर का चेंज हो गया, ये बहुत छोटा दिख रहा है। मान लीजिए इसके बाद मैं करता हूँ ये वाला ले लेता हूँ, इसको अप्लाई करते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा विजिबल है ढंग से। तो अब देखिए ये टॉप कोड हमारा चेंज हो गया। वैसे हम वर्टिकल देखते हैं, तो इसमें वर्टिकल क्या है हमारा, वर्टिकल ये वाला जो हमारा वर्टिकली जो एंगल लगे हुए हैं, ये जो हमारे लगे हैं, ये हमारे वर्टिकल होते हैं। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसके टाइप जो भी हमारे पास अभी इनबिल्ट ये है। और चाहो तो आप शेप बना के इसको इंसर्ट करके लोड करके इसमें यूज़ कर सकते हो, जो कस्टमाइज आपका जो भी ट्रसेस का शेप होगा, तो उसको आप इस अकॉर्डिंग लगा भी सकते हो। तो अभी जान मान लीजिए ये वाला हम करते हैं, इसमें ऊपर हमने लिया था 244, वही लेते हैं इसमें 244 वाला, ये कर दिया ओके। तो देखिए अब ये चेंज हो गया। वैसे अब और भी देखते हैं, और भी देखते हैं, अभी हटा दिया मैंने। हमने अभी टॉप कोड देख लिया, वर्टिकल देख लिया, अब डायगनल क्या है, डायगनल जो है हमारा जो डायगनल ही है, इसको भी हम चेंज कर सकते, सिंपल से इंटरफेस में हमें समझा रखा है इसमें। तो डायगनली हमारा, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें भी हम लेते हैं 244 वाला, इसको अप्लाई करते हैं, देख सकते हैं डायगनली भी हमारा ये चेंज हो गया। तो वैसे हमारा बॉटम कोड क्या होता है, हमारा जो लास्ट वाला होता है ये हॉरिजॉन्टल मेंबर, इसको हम बॉटम कोड कहते हैं, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, 244 ही लेते हैं इसमें भी, और इसको करते हैं अप्लाई। तो ये देखिए आप, ओके करते हैं। तो ये हमारा अभी यूनिवर्सल बीम से पूरा होलो सर्कल में आ गया। तो ये हमारा ट्रस होता है, इस हिसाब से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट में अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं।